जय हिंद। नमस्कार सभी भूतपूर्व सैनिकों को राम राम। जी हाँ, 13 सितंबर की शाम ओआरओपी के नाम 13 सितंबर 2023 सैनिक न्यूज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। चलिए सबसे पहले हेडलाइंस पे बात करें तो आज एमएससीपी पर एक गजब फैसला है कोर्ट का, जिससे हम बता दें आपको कि आपको कैसे न्याय मिल सकता है, कैसे अगर आपके किसी तरह का कोई एमएससीपी आपको नहीं मिल रहा है, आपके इंक्रीमेंट नहीं हुआ है और आपको नहीं कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप कैसे एमएससीपी अपना ले सकते हैं, उसके ऊपर लव डेट देंगे। ओआरओपी पर जबरदस्त रणनीति ऐसी है कि अब रेवाड़ी जो कि हरियाणा में स्थित है, वहां पे एक महारैली का आयोजन, मतलब कि उसी मैदान से जहां पे नरेंद्र मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन का ऐलान किया था। इक्वल एमएससी ईपीपीओ और डीएपीओ का जबरदस्त जेसीओ साहब को मिला न्याय सीपी ग्राम से। जी हाँ, सीपी ग्राम से उनका जो ग्रांट था, जो वो ग्लेंट्री अवार्डी थे, जो उनको नहीं मिल रहा था 24 साल से, हमारे जो नायक सुरदार साहब थे उनको मिला न्याय। संसद का घेराव, जी हाँ संसद का घेराव, यहाँ पे जो हमारी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन और वॉइस ऑफ एक्सरिस में एक दोनों जुट के जो संसद घेराव के लिए रेडी है, इसके ऊपर भी अपडेट देंगे। सभी न्यूज़ को सबसे बारीकी से सुनेंगे, एक एक करके देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। उससे पहले आपके लिए एक वैकेंसी आई है, वही बता दें एक्सरिस के लिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, साथ साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, यूनिट रन कैंटीन में एक वैकेंसी आई है, जिसमें आप लोग के लिए बहुत सारी मैनेजर है। यूनिट रन कैंटीन के असिस्टेंट मैनेजर, स्टोर कीपर, बिलिंग ऑपरेटर, रिमांड क्लर्क, सर्वर क्लर्क और चेकर, हेल्पर, एमटीएस से सफाई वाला, गार्ड, बिलिंग ऑपरेटर, गार्ड, ये सब। तो आप सभी 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक सर्विसमैन, और ये 15 तारीख तक, जी हाँ अभी भी दो दिन बचे हुए हैं, 15 तारीख तक आपको दानापुर में कैंटोनमेंट में भेजना है। इसको देख सकते हैं, हेडक्वार्टर JNB सब एरिया दानापुर कैंट की तरफ से ये भर्ती निकल के आई है। सिविलियन की भी पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन की भी है। कोई भी एलिजिबल एक्स सर्विसमैन है तो जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल लिखा हुआ है, इसको पढ़ के इसको जहाँ भेजना है भेज दीजिएगा। 15 सितंबर इसकी आखिरी डेट है। चलिए, रैली के अपडेट देने से पहले एमएससीपी के ऊपर बता दें कि एमएससीपी के ऊपर एक हमारे जो एक हमारे जो साहब हैं, जी हाँ उनका यहाँ पे निकल, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एमएससीपी के ऊपर एक अपडेट निकल के आई है। आर्मर फोर ट्रिब्यूनल में डाला गया केस है, और इसके ऊपर इनका ये जो हमारे योगेंद्र सिंह जी हैं, जो सन ऑफ ललन सिंह है, लाला सिंह है, इन्होंने डाला था और इसके ऊपर न्याय मिला। तो जी हम बता दें कि अगर आपके साथ भी ऐसे एमएससीपी का अगर आपको लाभ नहीं मिला, तो आप AFT में, जी हाँ आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में डाल सकते हैं AFT में, और अपना न्याय पा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दूसरा अपडेट है कि ECHS की तरफ से निकल के आया, अब सैनिक हॉस्पिटल में भी हो सकेगा आयुष्मान कार्ड से इलाज। जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज हो सकता है। आप सभी को बता दें कि जैसे कि हमारे भूतपूर्व सैनिक है, बहुत सारे जो हैं जो सैनिक हैं जिनके पास ECHS कार्ड तो है, बट आयुष्मान कार्ड अगर तो आयुष्मान कार्ड से भी आप करा सकते हैं। यहाँ पे द ECHS वॉज क्रिएटेड टू रिड्यूस द लोड, तो ये ECHS तो है, लोड रिड्यूस करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। जो एक्स सर्विसमैन ऑन सर्विस हॉस्पिटल, नाउ विथ ओपनिंग द सर्विस हॉस्पिटल टू आयुष्मान बेनिफिशियरी, वी आर बैक टू स्क्वायर ऑन गवर्नमेंट ओपन्स सर्विस हॉस्पिटल टू आयुष्मान कार्ड बेनिफिशरीज एज इट इज अनेबल टू प्रोवाइड द मेडिकल इंश्योरेंस। तो ये सब न्यूज़ निकल के आई है। 21 सैनिक व अर्धसैनिक हॉस्पिटल योजना में शामिल है, यहाँ पे पूरी ये न्यूज़ निकल के आई है। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ सभी भूतपूर्व सैनिकों को कि यहाँ आप देख पा रहे हैं डिटेल ऑफ रैली पॉइंट वेन्यू हुड्डा ग्राउंड रेवाड़ी। ये आपका 17 सितंबर 2023 को रैली होने जा रहा है, जो कि हुड्डा ग्राउंड है। और डिटेल में आपको मैं बता दूं कि हुड्डा डिटेल ऑफ रैली पॉइंट तो वेन्यू हुड्डा ग्राउंड रेवाड़ी हरियाणा है। डेट ऑफ रैली जो है 17 सितंबर है, समय 10 बजे से। आप सभी को मैं फिर से बता दूं कि अगर आप एकता नहीं होंगे, अगर आप एकजुट नहीं होंगे, अगर आप यूनिटी में नहीं होंगे, तो आपकी ये जो लड़ाई है हर एक सैनिक की है, कोई इंडिविजुअल की नहीं है। तो आप जरूर चढ़-बढ़कर हिस्सा लें और जरूर न्याय मिलेगा। यहाँ पे ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टोटली वन रैंक वन पेंशन पे है, और आप अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।